फाइनली गाइज आपकी बहुत ही ज्यादा वोट्स की बिना के ऊपर आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं टॉप 10 बेस्ट वॉइस चैट मल्टीप्लेयर वाली गेम जो कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकेंगे ऑनलाइन और कुछ गेम्स हैं जो कि आपको ऑफलाइन खेलने के लिए मिल जाएंगी। डबल ट्विस्ट मैंने ये रखा है कि इस वक्त तक जितनी भी वॉइस चैट मल्टीप्लेयर वाली गेम्स अभी तक लॉन्च हो चुके हैं उनमें से सबसे बेस्ट वाली गेम्स को मैंने इकट्ठा करके इस वीडियो को बनाया है। सो गाइज इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सो चलो यार बिना बात को जाया कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट गेम का नाम है कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। जी हाँ गाइज ये एक जस्ट कार पार्किंग गेम नहीं बल्कि ये एक बहुत ही मज़े की ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर गेम है जिसके अंदर गाइज आप अपने दोस्तों के साथ रेसिंग भी कर पाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट आपको मिशन मिलेंगे जिनके अंदर जाकर आपको कार को पार्क करना होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेल्स होते हैं, ट्रैक्टर भी आप यूज़ कर पाएंगे, काफ़ी सारे फोर व्हीलर भी हैं और काफ़ी सारी गाइज इसके अंदर मल्टीप्लेयर की ऑप्शन है जो कि अपने दोस्तों के साथ वॉइस चैट मल्टीप्लेयर की ऑप्शन के साथ आप इस गेम को प्ले कर पाएंगे। हमारी सेकंड गेम का नाम है प्रोजेक्ट विंटर। जी हाँ गाइज अगर तो आप हंटिंग करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो भी वॉइस चैट मल्टीप्लेयर के ऑप्शन के साथ तो ये वाली गेम गाइज आप ही के लिए है। इस बहुत ही थोड़े एमबी के अंदर आप डाउनलोड कर पाएंगे। गाइज ये वाली गेम टोटली तौर पर ऑनलाइन होने वाली है, थोड़े से एमबी के अंदर है। गाइज इसके अंदर वॉइस चैट की ऑप्शन भी है और बर्फानी इलाका होता है सारा। गाइज विंटर वाला सीजन होता है, आपको यहाँ पर सर्वाइव भी करना होता है। बचने के लिए आपको लकड़ियों को इकट्ठा करके जला के वहाँ पर कैंप भी लगाना होता है। काफ़ी मज़े की गेम है, इसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। हमारी जो थर्ड गेम का नाम है टेक्टिकोल। जी हाँ गाइस ये एक 5v5 मल्टीप्लेयर बैटल वाली गेम है जिसके अंदर आपने थर्ड पर्सन शूटिंग करनी होती है। यहाँ पर काफ़ी सारी गाइस आपको कार्स भी देखने को मिलती हैं जिनको आप ड्राइव कर पाएंगे और उनके ऊपर जो गनर लगा होता है उसको यूज़ करके आप अपनी टीम को सपोर्ट भी कर पाएंगे। काफ़ी मज़े की गेम है, इसके अंदर भी वॉइस चैट का फीचर है और थोड़े से एमबी के अंदर। हमारी नेक्स्ट गेम का नाम है आर्म हीस। जी हाँ गाइज इसके अंदर आपने चोरी करनी होती है। चोरी करने के लिए गाइज आपको सबसे पहले एक प्लानिंग करनी होती है क्योंकि रॉबर्स होते हैं आप, तो वहाँ पर आपको एक मास्क भी दिया जाता है जो कि आप अपने मुंह के ऊपर चढ़ाकर उसे वहाँ पर रॉबरी कर पाते हैं ताकि आपकी पहचान ना हो सके। यहाँ पर भी आपको एक ओपन वर्ल्ड मैप देखने के लिए मिल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर आपने बैंक की रॉबरी करनी होती है और गाइज आप मिलकर भी खेल सकते हैं इस गेम को और सोलो के ऊपर भी आप प्ले कर पाएंगे। पुलिस का सामना करना पड़ेगा इसके लिए, आपको काफ़ी सारे हथियार दिए जाते हैं, गेम के अंदर काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है। हमारी नेक्स्ट गेम का नाम है ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन। जी हाँ गाइज ये भी एक हाइस्ट बेस्ड गेम है, ये भी एक ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर कैटेगरी वाली गेम है जिसको आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि GTA 5 जैसी गेम्स जो है ना सबसे बेस्ट वाली वो यही वाली है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जी हाँ गाइज इस गेम को भी डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़े से एमबी चाहिए होंगे। यहाँ पर भी आप कार ड्राइविंग कर सकते हैं ओपन वर्ल्ड मैप को एक्सप्लोर करने के लिए और अगर आप चाहें तो आप अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं और उनके साथ कम्पीट करने के साथ साथ आपको वो मल्टीप्लेयर भी यहां पर प्ले कर पाएंगे। हमारी नेक्स्ट गेम का नाम है सस्पेक्ट मिस्ट्री इन्वेंशन। जी हां गाइस ये भी बहुत ही मजे की हाइड एंड सीक वाली गेम है। अगर तो गाइज आपने अमंग अस वाली गेम खेली हुई है और आपको वो वाली गेम पसंद है क्योंकि उस गेम के अंदर गाइज वॉइस चैट वाला फीचर नहीं है, तो आपको वॉइस चैट वाला फीचर चाहिए तो ये वाली गेम गाइज अभी डाउनलोड कीजिए क्योंकि इसके अंदर वॉइस चैट वाला फीचर भी उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पर गाइज आपको वही सारा सिनेरियो वही सारा गेम प्ले देखने के लिए मिलता है जो कि अमंग अस गेम तो आपने खेली ही होगी लाजमी तौर पर क्योंकि गाइज वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। सो वैसा ही सारा इसके अंदर भी सीन होता है। यहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हैं, मल्टी प्लेयर खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो इसे भी आप लाजमी चेकआउट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट गेम का नाम है T3 एरिना। जी हाँ गाइस ये बहुत ही फास्ट पेस एक्शन से भरपूर गेम है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ पर गाइस आपको 3v3 गेम प्ले खेलना होता है। यहाँ पर आपको टीम बनाकर भी खेलने की ऑप्शन मिल रही है, जस्ट इसके अंदर आपको को मल्टीप्लेयर ही खेलना होता है। यहाँ पर भी आपको जो वॉइस चैट वाला फीचर है देखने के लिए मिल जाता है। इस गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1GB का डाटा चाहिए होगा और बहुत ही कमाल के इसके अंदर हीरोज़ रखे गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट हीरोज़ हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती है, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती हैं जो कि आपको यूज करके अपने ओपोनेंट को मारना होता है। हमारी नेक्स्ट गेम का नाम है फ्रेंड और एनिमी। जी हाँ गाइस जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है यहाँ पर आपने देखना होता है कि भाई आपका फ्रेंड कौन है और आपका एनिमी कौन है। आपको पहले पता लगवाना होता है क्योंकि उसने नकाब पहना होता है तो आपको पता नहीं चलता कि ये आपका फ्रेंड है या एनिमी है। यहाँ पर एक गाइस इम्पोस्टर बनता है जिसने मिलकर सारों को मारना होता है और आप बाकी जो दोस्त होते हैं जो कि उस गेम के अंदर ज्वाइन होते हैं उन सबको उस बंदे से बचकर रहना होता है। जो भी लास्ट तक सर्वाइव करता
होता है गाइज वो इस गेम का विनर होता है। काफी मजे की गेम है, यहाँ पर आपको काफी सारी एनिमेशन भी देखने के लिए मिल जाती है, न्यू करेक्टर्स है जिनको आप यूज करके इस गेम को प्ले कर पाएंगे। गाइज हमारी नेक्स्ट गेम का नाम है ड्राइव जोन ऑनलाइन। अगर तो आप एक अल्ट्रा हाई ग्राफिक सेटिंग वाली रेसिंग गेम को फाइंड आउट कर रहे हैं सो गाइज आपकी तलाश यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही धमाकेदार मल्टीप्लेयर रेसिंग गेम जो कि आप अपने दोस्तों के साथ भी प्ले कर पाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि सोलो गेम प्ले मोड आप खेलें तो यहां पर आपको वो भी देखने के लिए मिल जाता है। इस गेम की खास बात यह है कि गाइज ये गेम जो आपको ट्रायल्स छोटे छोटे रोड के ऊपर दिखाती है जिनको फॉलो करते हुए आपको रेसिंग करने में काफी ज्यादा आसानी पैदा हो जाती है। और मजे की बात यह है कि आप इस गेम को ओपन वर्ल्ड मैप भी है, इस गेम को आप ओपन वर्ल्ड अपनी मर्जी के साथ जहां पर आप चाहें इस पूरे मैप को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। फाइनली यार बढ़ते हैं हमारी वन ऑफ द बेस्ट एंड लास्ट गेम की तरफ जिसका नाम है गाइस स्लैम डंक। जी हाँ गाइस, ये एक बास्केटबॉल गेम है जिसको आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी वाली गेम है जिसको आपने दो वर्सेस दो प्लेयरों के साथ खेलना होता है। यहाँ पर आप 3v3 भी लगा सकते हैं, 2v2 भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप बॉस मोड बैटल भी प्ले कर पाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती हैं, काफ़ी सारे अरीनाज हैं जिनके अंदर आप अपने दोस्तों के साथ भी प्ले कर पाएंगे, और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर भी आपको वॉइस चैट का फीचर मिल जाएगा।